आज पानीपत में विकलांगों की ओर से जिला लघु सचिवालय से लेकर रेलवे रोड तक अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बातचीत में इन विकलांगों की ओर से बताया गया कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 12 दिन इन्हें के प्रदर्शन को हो चुका है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पिछले 11-12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 12 दिन इनके प्रदर्शन को हो चुके हैं, लेकिन इनका आरोप है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है और अपनी मांगों को लेकर आज इन्होंने अर्धनग्न अवस्था में होकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम जो विकलांग हैं उनकी ओर से सरकार के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये आज हाईवे पर उतरे और सरकार के प्रति इन्होंने नारेबाजी भी की और प्रशासन के खिलाफ भी इनमें रोष देखने को मिला। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पानीपत जिला लघु सचिवालय से लेकर रेलवे रोड तक इनका प्रदर्शन रहा और सरकार के प्रति इनमें काफ़ी रोष देखने को मिला। क्या कुछ कहते हैं विकलांग अपनी मांगों को लेकर, कौन सी इनकी मांगे हैं वो आप सुनिए। हमारे पास हम 12 दिन से मिनी सेक्रेटरेट के आगे बैठे, आज तक हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया। आज आप अपनी मांगों के अधिकार के लिए रोड पर निकले तो हमारे पास हमारे ऊपर पुलिस भी जबरदस्ती कर रही है। अब रोड जाम हो रहा है, आज पुलिस को ये रोड जाम होने की बात दिख रही है। क्या 12 दिन से पुलिस अधिकारी SP SHO कोई ये भी कह सकता है भाई विकलांग वहाँ बैठे हैं उनकी समस्या सुनो, क्या बात है क्या ना है, इन्हें रोड की होगी भाई? हमारे ऊपर से जाओ गाड़ी रोड पर, जो पुलिस की गाड़ी है पुलिस के अधिकारी हैं हमारे ऊपर से गाड़ी लेकर जाओ, हमें मरने से कोई डरता नहीं। तो ये आज अधिकारी भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे, इन्होंने बोला अभी उल्लंघन है। ये क्या उल्लंघन है भाई, क्या उल्लंघन है? हम अपनी मांग के लिए आ रहे हैं, कोई हम यहाँ गलत तो नहीं कर रहे, और पुलिस प्रशासन भी हमारे ऊपर दबाव दे रहा है भाई ये गलत तरीका है। क्या तरीका है? पुलिस वाले ने ये बोला अब भाई ये बहुत गलत तरीका है, रोड जाम नहीं होगा, हम मरते क्या करेंगे जी। महावीर शर्मा आज 12 दिन हो गए जी, विकलांग उत्थान समिति का मेंबर हूँ जी। हमारी आज तक किसी प्रशासन ने किसी अधिकारी ने कोई भी मांग हमारी आज तक कोई मांग पत्र झूठा भी नहीं लिया जी। धन्यवाद जी।